महा ये देखो ये ब्रांड खुद कह रहा है चलो चलो ही चलो खलोई नहीं ये कह रहे हैं चलो ये अनरियल है क्योंकि यहाँ से व्यूज वॉलपेपर बाकी मैं तब भी वीडियो में मैंने यही कहा था कि इस स्काई बार से बैंकॉक के जो व्यूज मिलते हैं वो ऐसे होते हैं जिस तरह वॉलपेपर है। अस्सलाम वालेकुम शपैकिंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आ रहा है जैसे एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो हम लोग बाली से पहुंचे थे बैंकॉक। बैंकॉक हम पहुंचे थे रात को, आगे बस स्टे किया और हम कहीं पर निकल के बस खाना खाया था और उसके बाद बैंकॉक थोड़ा बहुत देखेंगे, एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि जो मेरा पिछला बैंकॉक ट्रिप था उसमें मैंने बैंकॉक को इतना टाइम दे दिया था कि अगले एक साल मुझे बैंकॉक को सही वाला टाइम नहीं देना। मतलब 6 दिन हम लोगों ने बैंकॉक एक्सप्लोर किया था जबकि वो 6 दिन बैंकॉक में गुजार के मुझे लगा था कि बैंकॉक के अंदर अगर आप थाईलैंड ट्रिप रखो तो 2 दिन मैक्सिमम आपके बैंकॉक में होने चाहिए। खैर ये हमारा पीछे आपको होटल नज़र आ रहे थे हम लोगों ने स्टे किया, इसका नाम है आयरा होटल, यही नाम है आयरा होटल। ऐसा पहला होटल है जिसमें मैंने स्टे किया कि जिसके अंदर ही स्टारबक्स है। ये जी सुकुमवित का एरिया, कभी भी बैंकॉक आओ तो आपको सुकुमवित में ही स्टे करना पड़ता है क्योंकि अच्छे होटल सारे इसी पूरे एरिया के अंदर हैं। अब ये जी होटल ये वाला आयरा होटल, यहाँ से हम लोग होंगे एंटर। अच्छा भाई होटल एम्बियंस बहुत खूबसूरत है, आपको एंटर होके एक रॉयल प्लस मॉडर्न, एक होता है या सिर्फ रॉयल हो एक होता है या सिर्फ मॉडर्न हो, रॉयल प्लस मॉडर्न आपको फील आती है अंदर फिरते हुए इसकी लॉबीज के अंदर। और इस तरह बहुत खूबसूरत एक होटल है। अभी मैं आ चुका हूँ इसके 8th फ्लोर पे जहाँ पे जिम है और पूल है। ये है जी जिम, और जिम से अगर हम जाएं इस तरफ को तो यहाँ पे आता है रूफ टॉप पूल जो कि बहुत ही खूबसूरत पूल बना हुआ है जिसके साथ आपको बैंकॉक की एक बिल्डिंग्स का व्यू आता है और सन बेड्स हैं यहाँ पे। काफ़ी बड़ा इन्होंने जो है पूल बनाया हुआ है, मतलब बहुत अच्छी फील है। मेन पूल एरिया जो है ना वो इतना है, बाकी ये तकरीबन 1 फिट होगा और ये तो बिल्कुल ही थोड़ा सा कि पानी के अंदर वो सन बेड्स रखे हुए कि आपको एक प्रॉपर फील आए। तो ये बहुत खूबसूरत एक पूल है और ये मेरा पहला स्टे है जिसमें मैंने रूम के साथ ब्रेकफास्ट बुक नहीं किया क्योंकि रमज़ान है, हम खा नहीं सकते, ब्रेकफास्ट की टाइमिंग ऐसी होती है कि हमारा उस टाइम रोज़ा होता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि आप रूम की प्राइसेस क्यों नहीं बताते, या रूम की प्राइस मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि ये अक्सर चेंज भी हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि यार ये इतने का रूम है, और अक्सर लोग वीडियो वो 2 साल बाद भी देख रहे होते हैं, 3 साल बाद भी देख रहे होते हैं, या इवन 6 महीने बाद भी कभी भी प्राइसेस चेंज हो सकती हैं। तो आप वीडियो देख के प्लान करोगे हमने यहाँ पर रहना है और कल को वो उसका बजट चेंज हो तो वो आपके लिए थोड़ा सा वो मेरा ख्याल है मसला है। तो कोई भी जो होटल मैं दिखा रहा होता हूँ मैं आपको नाम इसीलिए बताता हूँ, आप booking.com या इस तरह की कोई भी चीज़ें खोलो, होटल का नाम डालो, एक दिन की डेट सेलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल 24 को चेक इन 25 को चेकआउट इस तरह करके डेट डालो तो 1 डे की प्राइस आपको वो बता देगा। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी इसकी क्या प्राइस है। अब मैंने जितने का लिया है वो 6 महीने बाद उतने का ना हो आपका वो प्लान चेंज हो, इसलिए मैं ज़्यादा रूम की प्राइसेस बताता ही नहीं हूँ। वेलकम टू 14th फ्लोर, यहाँ से हम जाएंगे सीधा लॉबीज़ की, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत खूबसूरत फील है। ये जी हमारा रूम 1415 कुल जा सिमसन। अच्छा जी यहाँ से रूम में एंटर होते ही सबसे पहले आ जाता है ये एरिया, बहुत खूबसूरत फील है रूम की जिस तरह मैंने आपको बताया, बहुत ही मॉडर्न और एक रॉयल सी आपको फील आती है। सबसे पहले इस तरफ आ जाती हैं कबर्ड्स, कबर्ड्स के बाद ये फिर एक एरिया, आप कोई भी अपना सामान वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। ये जी रूम का कॉफ़ी एरिया प्लस मिनी बार, 7 ड्रॉज हैं। उसके अलावा हम जाते हैं इस तरफ सीधा तो हमारा शुरू हो जाता है रूम, रूम में यहाँ पे आ जाते हैं बेड्स, बेड्स के बाद इस तरफ सामने एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, साइड पर एक लैम्प है, बहुत खूबसूरत फील है रूम की। उसके अलावा ये एक छोटा टेबल है, यहाँ पर वर्क स्टेशन है। उसके अलावा यहाँ से हम कर्टन हटाएंगे तो सामने कोई इतना ख़ास व्यू नहीं है, बट हाँ ठीक है थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। अगर हमारे पास फ्रंट व्यू होता तो 14th फ्लोर है और जो पूल है वो 8th फ्लोर पे, तो हमें इस तरह नीचे पूल नज़र आता बट ये उसकी बैक साइड है। तो यहाँ से ये कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये भी सारे होटल्स हैं। अच्छा भी उसके बाद हम लोग ये मॉल शॉपिंग करनी थी, मैंने नहीं, मैं बेचारा कहाँ शॉपिंग और क्या चीज़ें, आपकी भाभी ने करनी थी शॉपिंग, हम लोग मॉल गए। वहाँ पे इस बार मुझे ऐसे ऐसे सेक्शंस में फिरना पड़ा, ऐसी ऐसी चीज़ों में फिरना पड़ा कि जहाँ मैं पहले कभी मेरा कोई चक्कर नहीं लगा था। महा ये देखो ये ब्रांड खुद कह रहा है चलो चलो ही चलो ही चलो ही चलो ही खलोई नहीं ये कह रहे हैं चलो ही वापस होटल चलो ही तो वो चीज़ें होती नहीं। उसके बाद खैर हम वापस आए, वापस आके हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले इफ्तारी की है, तैयार हुए क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जरा डिनर करें। एक होता है डिनर, एक होता है डिनर। पहुंच चुके हैं हम लोग और आपका भाई और भाभी कुछ इस तरह के लग रहे हैं अपने डिनर पे।
अच्छा भैया, अभी हम लोग पहुँचे हैं वर्टिगो पे। जब मेरा लास्ट बैंकॉक ट्रिप था उसमें भी यहाँ पे आया था, आपने अगर वीडियो देखी है तो। ये बहुत एक मतलब बेस्ट एक स्काई बार रेस्टोरेंट है, 64th floor आई थिंक 64th floor पे। तो वो मैंने महा को दिखाना था, कैसा लग रहा है? अनरियल है, क्योंकि यहाँ से व्यूज वॉल पेपर। बाकी मैं तब भी वीडियो में मैंने यही कहा था कि इस स्काई बार से बैंकॉक के जो व्यूज़ मिलते हैं वो ऐसे होते हैं जिस तरह वॉल पेपर है। तो अभी बस हमारा क्या है, डिनर टाइम है सर। अच्छा भाई, उसके बाद तू बोल रहा, हमारा सेकंड डे इन बैंकॉक। हम तसल्ली से सो के उठे क्योंकि आपको पता रमज़ान है, दिन में कोई ख़ास चीज़ें करने वाली होती नहीं है। सेकंड डे हम लोग गए बैंकॉक के सबसे बड़े मॉल आइकॉन सियाम मॉल में। पिछले ट्रिप पे मैंने इसको मिस कर दिया था, इसके बारे में सुना बहुत हुआ था। इतना खूबसूरत वो मॉल है, मतलब मुझे जाके पता लगा कि वो किस लेवल का मॉल है। मतलब एक सही जो जंबो जेट मॉल होता है, हर किस्म का आपको उसके अंदर ब्रांड मिलता है अच्छे से अच्छा। उसके अलावा उसका जो फूड कोर्ट है वो इतना इम्प्रेसिव कि मैं हैरान रह गया। आपको एक लग्जरी स्ट्रीट फूड कोर्ट मिलता है वहाँ पे, तो मस्ट विज़िट अगर कभी भी बैंकॉक आओ तो आइकॉन सियाम मॉल लाजमी जाना, वो इतनी मज़े की जगह है। उसके बाद फिर हमने इफ्तारी की उस्मान मुस्लिम थाई फूड पे, जो आपने मेरी पिछली थाईलैंड सीरीज़ देखी थी तो उसके अंदर वो मैंने उसको डिस्कवर किया था। बहुत मज़े का खाना है उसका, मेरे ख्याल से बैंकॉक का एक बहुत अच्छा, अगर आपने हलाल थाई फूड खाना है तो वो ऑप्शन है सिर्फ आपके पास, एक और ऑप्शन। वो वहाँ पे हमने इफ्तारी की, उसके बाद हमारा बैंकॉक में सेकंड डे ख़त्म। थाईलैंड के थर्ड डे मतलब आज हम लोगों ने बैंकॉक से सुबह 9 बजे फ़्लाइट पकड़ी और हम लोग पहुँच चुके हैं कोह समुई। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। अभी इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उस ख़त्म करने से पहले आपको पीछे थोड़ा सा शायद माहौल नज़र आ रहा हो, मैंने बहुत होटल्स के अंदर स्टे किया है लेकिन ये एक चीज़ ऐसी है जिसने मुझे थोड़ा सा हैरान किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका टूर दूंगा, अभी इस वीडियो में आप खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी लिख रहे भाई और कैमरे के पीछे अपनी भाभी को दुआओं में याद रखना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अल्लाह हाफिज़।